uncle. Oh, hello, hello, Suresh. Better? Thank you. Uncle, मैंने आपके लिए $1.5 लाख और 30,000 pound के फॉरेन एक्सचेंज का इंतजाम कर दिया है. Good, very good. तुम बहुत स्मार्ट हो सुरेश. Thank you, sir. वाकई द्वारकादास को तुम पर फख्र करना चाहिए. उसे तुम जैसा बेटा मिला है. मैं भी तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ. जी चाहता तो मैं भी यही हूँ. सर आपको चली गई. Excuse me. Reaching Dehradun Express. Mala. Mala आ रही है? हाँ 10 बरस के बाद आ रही है. बड़ी हो गई होगी. न जाने कैसी लगती होगी. हाँ देखो तुम घर में इतला कर दो कि माला को स्टेशन से ले आए. मुझे एक जरूरी काम है, मैं नहीं जा सकूंगा. बहुत अच्छा अंकल. माला को मिलने के लिए तो मेरा भी जी चाहता है. हाँ हाँ तुम भी स्टेशन चले जाओ. अच्छा तो मैं चलता हूँ. बाय बाय. देखिए शांति स्वरूप मैनेजिंग डायरेक्टर कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनी को 5 साल कैद बामुशक्कत 30,000. तो इसमें घबराने की क्या बात है रामदास. मैं शांति स्वरूप की तरह बेवकूफ नहीं हूं. मैं हर काम कायदे से करता हूं. जाओ अपनी टेबल पर बैठो. अच्छा मिस माला, आप अगर मेरे मतलब पूछना चाहती हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कह देना काफी समझता हूँ कि आप मुझे अपना घर वाला समझिए. जी मगर आप है कौन? आप अगर मेरी तारीफ पूछना चाहती हैं, तो यूं समझ लीजिए कि मैं एक जौहरी हूँ. हीरे की शिनाखत यूं करता हूँ यूं. ए कुली सामान उठाकर मोटर में रखो. आप मुझे जानते हैं? जी जानता तो नहीं था लेकिन शिनाखत की दाद दीजिए. किस तरह पहचाना है आपको? आपके डैडी हर वक्त आपकी तारीफ करते रहते हैं. आपकी बहन आपके गुण गाती रहती है. सिर्फ एक बार आपकी तस्वीर लगी. कहिए लेकिन आपको मेरे आने का इल्म कैसे हुआ? जी प्यासा पानी की तलाश में कुएं को ढूंढ ही लेता है. मेरे घर में से कोई भी नहीं आया. खैरियत तो है? जी हाँ खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है. आपके घर के लोग आपको लेने इसलिए नहीं आए कि मैं जो चला आया. आइए आइए चलिए. ये लो अपना इनाम. इंसानी जज्बे को दौलत की नुमाइश से मत तोलो. माला चलो. बजरंगबली एकदम दिल धक धक क्यों करने लगा है? वो कौन थी? फिर से एक दफे उस देवी का दर्शन करवा दे. पूरे 101 दंड पेलूंगा बजरंगबली के नाम पे. आज बड़ा खुश नजर आ रहा है. क्या बात है? माँ आज बाल बाल जान बच गई. क्या हुआ? तू तो ऐसे घबरा गई जैसे मेरी जान का मामला था. तो फिर किसकी जान बच गई? एक लड़की की. कौन थी वो लड़की? वो अरे माँ मैं तो उसे पूछना ही भूल गया. लेकिन थी बहुत अच्छी. और अगर मैं उसे यूं झपट कर ना बचाता तो वो गई थी मोटर के नीचे. लड़कियों की जान बचाने बचाने में तू कभी मेरी जान ले बैठेगा? नहीं माँ ये मेरा डेली प्रोग्राम थोड़ी है. ऐसा इत्तेफाक तो जिंदगी में एक न एक बार हो ही जाता है. आओ माला. आओ बेटी आओ. क्या कह रहा था मुन्ना तू? मैं ये कह रहा था क्या शशि दीदी से माला दीदी बहुत अच्छी है. ऐसे नहीं बोलते. शरीर है. चलो बैठ मान. बैठने देती हूँ. बैठ मान. क्या देख रही हो? मकान? ये खेमचंद का मकान नहीं, सेठ खेमचंद की कोठी. यहां तुम्हारे बचपन की कोई चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, न इस मकान में न मुझ में. यही तो देख रही हूं डैडी. माला तकदीर से तंग आकर मैंने तकदीर का आसरा लिया. अपना मकान दौलत से भर लिया मगर अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए, शशि के लिए, दीप के लिए, मुन्ने के लिए और तुम्हारे लिए.
अलग अलग मकान बनवा दिए ताकि तुम लोग आराम से जिंदगी बसर कर सको। डैडी आप तो बिल्कुल बदल गए। हाँ माला, मैंने जिंदगी में जो दुख उठाए वो मेरा दिल जानता। आज भी सोचता हूं तो कांप उठता हूं। इसीलिए मैंने अपनी ही जिंदगी में तुम लोगों के लिए सब कुछ इकट्ठा कर दिया है ताकि जिन मुश्किलातों में समय गुजरा तुम लोगों को ना गुजरना पड़े। आप ही ने सब कुछ कर दिया तो ये खुद क्या करेंगे? खर्च करेंगे ठाट से। सुन लिया आपने? ठीक तो कहता है, मैंने कमाया किसके लिए? इन्हीं के लिए तो कमाया। बाप के राज में ठाट से खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे? डैडी रामू चाचा नजर नहीं आते? शायद तुम्हारे आने की खबर ना होगी उसे। बेचारा बीमार है, अपने क्वार्टर में पड़ा हुआ है। बीमार? डैडी मैं उनको देखाऊं? अरे भाई कुछ खा पी तो लो पहले। नहीं डैडी मैं पहले उनसे मिलाऊं। जाओ। अच्छा जाओ मिलो, जल्दी आ। रामू चाचा। कौन? माला बिटिया। आओ बेटा। तुम मत उठो चाचा। बैठो बेटा बैठो। हाँ मैं बिटिया। अरे मुझे मालूम ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि तुम आ रही हो, नहीं तो मैं स्टेशन आता बेटा। सच मगर मुझे कौन बताता? कहना तो नहीं चाहिए बेटा मगर सेठ जी अब वो नहीं रहे, बहुत बदल गए। हाँ चाचा मुझे भी ऐसे ही दिखाई दिए। पहले तो बेटा कभी कभी मंदिर चले जाते थे, आजकल तो वो भी सब छोड़ दिया। तुम फिक्र नहीं करना बेटा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माला बिटिया तुम तो बहुत सयानी हो गई हो अब। वहाँ नृत्यशाला में अच्छी तरह से तेरी तरह देख रही हो। अरे 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 तुम लोग सो करके लड़ रहे हो तो मजा कर रहे हो। देखो ना रामू चाचा खुद तो कुछ काम करता नहीं है और दूसरों की भलाई करना चाहता है। आजकल मोहल्ले के गरीब लड़कों के लिए चैरिटी शो करना चाहता है। अच्छा ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है रामू चाचा। ये भी कोई काम है? अरे काम तो है। काम है तो दाम कहाँ है रामू चाचा? टिकट ये बेचेगा तो दाम ही दाम है रामू चाचा। तुम्हारा सेठ खेमचंद तो बहुत बड़ा आदमी है, क्या 5-10 टिकट नहीं बिकवा सकते हो? वो हम गरीबों की बस्ती में नहीं आएगा बेटा। क्या आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं रामू चाचा? क्या करूं? अरे हाँ सेठ की बेटी 10 साल के बाद नृत्य और संगीत सीख करके आई है, अगर तुम कहो तो उसे मैं प्रोग्राम के लिए ला सकता हूँ। जब सेठ जी हमारे मोहल्ले में नहीं आ सकते हैं रामू चाचा तो उसकी बेटी हमारे मोहल्ले में आके नाचेगी? जरा सुन चुनिया। सुन रहा हूँ। देखो गुस्सा मत दिलाओ, अगर मैं उसे ले आया तो? ए? क्या फरमाया आपने? मैं उसे ले आया तो हाउसफुल करवा दूंगा रामू चाचा, जब इतने बड़े सेठ की बेटी आके हमारे मोहल्ले में नाचे। और हाउसफुल ना हो तो तुम हाउसफुल की तैयारियां करो, मैं बिटिया को लेकर आता हूँ। बात बन गई। चलो दीदी खाने को, डैडी भी आ गए। शशि और दीप आ गए। दीप भैया तो अपने कमरे में चुस्की लगा रहे। चुस्की? दीप तुम शराब पी रहे? ये दीदी ये तो बड़े लोगों का फैशन है, खाने से पहले थोड़ा सा एपेटाइजर। डैडी जानते हैं कि तुम शराब पीते हो। दीदी शशि भी आ गई। फिर कब? कल। पक्का? पक्का। बाय बाय। बाय। शशि तुमको छोड़ने कौन आया था? कोई भी दीदी, मेरी बात का जवाब दो। कौन था वो? इस रॉब से तो मम्मी और डैडी बात नहीं करते, आज ही आप आई हैं और हम पर रॉब डाल रहे हैं। मेरी बात मानो दीदी तो आप वापस आश्रम चले जाओ ना, आप खुद परेशान हो ना हम लोगों को तंग करो।
आओ बेटा आइए। ये है विजय, बहुत ही मेहनती, होशियार, दिलेर, फैयाद। अरे मेरा दोस्त है। आपको कहीं देखा है? हाँ देखा होगा, देखा होगा। मेरे ख्याल है एक पैग और ले लीजिए। नहीं यार बहुत हो गई अपनी। द्वारका दास जी एक से क्या होता है। नहीं भाई ले लो थोड़ी सी। सुरेश बेटा जी तुम भी पिया करो थोड़ी थोड़ी, सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज है। जी नहीं अंकल, मैंने तो कभी सूंगी भी नहीं। भाई द्वारका दास मुझे तुम्हारा सुरेश बहुत पसंद है। ये भी तुम्हारी माला के दिन रात गुनगाया करता है, जरा माला को बुलाओ भी देखिए। मेरे ख्याल से वो कहीं बाहर गई हुई है, बस आने वाली है। कमाल है अंकल, सब लोग उसको देखने के लिए आए हैं और वो घर में नहीं। आपने उसे कह तो दिया था ना? मैंने कह कोई बात नहीं, चलो खाना लगवाओ, उस वक्त तक आ गई तो देख लेंगे, वरना असल में देखना तो सुरेश का है और वो इसे बेहद पसंद है। तो बात पक्की समझो और शादी की तैयारियां शुरू करो, मैं शुभ मुहूर्त निकलवा के भेज देता हूँ। चलो खाना खाए। चैरिटी शो मिस माला। चलो देख ही लो।
गई रात नैन की निंदिया ओ चोरी हो गई रात नैन की निंदिया सपनों में कोई आया जाग उठी बिंदिया चोरी हो गई रात नैन की निंदिया ओ चोरी उस दिन आपने मुझे नई जिंदगी दी और मैं आपका शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकी। शुक्रिया तो हम लोगों को करना चाहिए कि आप हम जैसे गरीबों के बस्ती में आ गए। आप यही रहते हैं? जी हाँ। काम क्या करते हैं? काम वैसे मैं मोटर मैकेनिक हूँ, कभी कभी कुश्ती लड़ लेता हूँ, कभी अखबार बेचता हूँ। अखबार भी बेचते हैं? जी हाँ। मैं चाहता था कि आपके कदम चूम लूं। जी हाँ। और मैं आपके डांस में खो गया। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे सपनों की रानी सच मुझ जमीन पर हो और उसके बाद आपका डांस खत्म हो गया और मैं उसी नशे की हालत में आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। यानी आप अभी तक रहूंगा। आपको देखने के बाद होश में रहना जुर्म है। कौन देखे अपनी हालत, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। ये आप मेरी मोहब्बत का इम्तिहान। बेशर्म भी है। शर्म तो आने जाने चीज है। तो आप नहीं जाएंगे? जी नहीं। लातों से नहीं मानते। सुनिए, लातों के भूत लातों से भी नहीं मानते। अभी इसके इम्तिहान और भी है। अगर गोवर्धन की दया हो जाए और वो लड़की मिल जाए तो कसम से नादी शाह ने दिल्ली क्या लूटी थी जो मैं लूट लूं। अरे लोगों की जेबें खाली कर लूं। अरे चरिया है क्या? तुम जानते हो वो छोकरी कौन है? कौन है? सेठ खेमचंद की धी है। धी है? अरे घी नहीं, धीर धीर लड़की बेटी। और सेठ खेमचंद तुमको क्या, हमको भी खरीद सकता है। लेकिन सेठ जी वो। अरे सेठ जी के बच्चे कोई सुन लेगा तो तुमको भी मारेगा और हमको भी मारेगा। माला, इतनी रात गए कहां से आ रही हो तुम? डैडी, रामू चाचा के साथ मोहल्ले में गई थी। मोहल्ले में? मोहल्ले में क्या काम था तुम्हारा? चैरिटी शो था डैडी, गरीब और यतीम बच्चों के स्कूल और बोर्डिंग के लिए चंदा इकट्ठा करना था। और तुमने वहाँ डांस किया? जी। छोटे लोगों में नाचते हुए तुमने ये नहीं सोचा कि तुम किस बाप की बेटी हो? छोटे लोग? हाँ छोटे लोग, जो तुम्हारे जूते साफ करने के भी काबिल नहीं। ऐसी बातें करना पाप है डैडी। और बगैर कहे रात को चले जाना ये पाप नहीं? मैंने द्वारकादास सेठ को बुलाया था तुम्हें देखने के, और मेरी जो बेइज्जती हुई ये पाप नहीं? मुझे कुछ मालूम नहीं था डैडी। काश मुझे भी मालूम ना होता कि तुम इस तरह गरीबों में नाचने के लिए जाओगे। लेकिन डैडी, आपको गरीबों से इतनी नफरत क्यों होगी? इसलिए कि वो हमारी सोसाइटी के नहीं है, हमारे हलके के नहीं। शायद आप भूल गए कि मेरी माँ भी इन्हीं में से थी और आप थी। लेकिन अब मैं गरीब नहीं अमीर। जानती हूँ मैंने तुम लोगों के लिए इतनी दौलत जमा करके रख दी तो आके तुम वापस जाकर उस गंदगी में न गिरो जिससे निकलते निकलते मेरी सारी जिंदगी गुजर गई। इतनी दौलत देकर भी आपको अपनी औलाद पर भरोसा नहीं? जब तुम्हें गरीबों से इतनी हमदर्दी है तो क्या भरोसा? कल तुम किसी गरीब का हाथ पकड़ लो और वो जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए जमा किया उसे ले ओढ़। अगर मैं किसी गरीब का हाथ थामूंगी तो घर छोड़ने से पहले आपकी दौलत छोड़ दूंगी। और अगर वो गरीब तुम्हें छोड़ गया तो? अगर ये दौलत किसी दिन आपको छोड़ गई तो आप और आपकी औलाद के पास क्या रहेगा? शशि, दीप और मुन्ना, ये जो दौलत के भरोसे जी रहे हैं, कल किसका सहारा लेंगे? मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहता। लेकिन मेरा फर्ज है, आप अपनी औलाद को गलत शिक्षा दे रहे हैं, आपका प्यार उन्हें बर्बाद कर रहा है। सौतेली हो ना, मेरा प्यार तुम्हें उनसे नहीं भागा। डैडी, चुप क्यों हो गई? बोलो। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं रहा। तो सुनो, मैंने फैसला कर दिया, तुम्हारी शादी सुरेश से की जाएगी। जी। घराना बड़ा है माला, तुम्हें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। कुछ कहना है और तुम? ले
आपका फैसला सर आंखों पर। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है। चल मेरे दिल आँखों में दिलदार की गलियां, आँखों में दिलदार की गलियां। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना, उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना। घर से निकलना यार से मिलना ये तो कारोबार है अपना, ये तो कारोबार है अपना। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल माला के लिए अखबार लाया। ओ, मुझे दो, मैं दे दो। नहीं नहीं, अपने हाथों से देना चाहता हूँ। ओ, बताओ माला कहाँ है? माला? वो देखो। आप इतनी जल्दी सवेरे उठ जाती हैं? उठ तो नहीं जाती, मगर आज उठ गई हूँ। क्यों? बस यूं ही। कल जब मैं शो से वापस आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आप हर किस्म का काम कर लेते हैं। आप कितनी गुनी हैं? जी हाँ, गुनी हूँ पर धनी नहीं। ये भगवान भी एक अजीब और गरीब हस्ती है, धन देता है तो गुण नहीं देता, और गुण देता है तो नहीं देता। धनी होने के लिए गुण नहीं, कुछ और चीजों की जरूरत होती है, और वो आप में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। आप बहुत सीधे हैं। जी हाँ, सीधा भी हूँ और लंबा भी हूँ। आपसे बातें करके मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा भी यही हाल है, जी चाहता है कि आपसे बातें करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं। मगर अभी मुलाकातें ज्यादा देर न रह सकेंगी। क्यों? दो चार दिनों में डैडी मेरी मंगनी कर रहे हैं। कौन है ये भाग्यवान? डैडी की तलाश, लखपति का लड़का। लखपति? हाँ, लखपति तो होना ही चाहिए। अच्छा,
इजाजत चाहता हूँ। नमस्ते। रात आपने माला को कुछ बुरा भला कहा क्या? तो क्या उसकी तारीफ करता, उसे सर पे बिठा लेता। सबके सामने उसने मेरा सर झुका दिया। जानती हो द्वारकादास सेठ क्यों आए थे? क्यों आए थे? मैंने माला की शादी पक्की कर दी है सुरेश के। तुम्हें क्या हो गया शशि? कुछ नहीं लड़ी, एक्सक्यूज मी। तुम सुरेश से मोहब्बत करती हो? हाँ, मैं सुरेश से मोहब्बत करती हूँ, और वो भी मुझसे मोहब्बत के वादे कर चुका है। सुनकर तकलीफ हुई? मोहब्बत को ठेस पहुंची? हाँ तकलीफ हुई, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसे चाहती हूँ। मैं तो खुद बचने की तरकीब सोच रही थी, अब ये सोचना पड़ेगा तुम्हें उसे कैसे बचाऊं। मुझे बचाओ नहीं, सिर्फ मेरे रास्ते से हट जाओ। तो तुम डैडी से क्यों नहीं कहती? मैं डैडी से नहीं कह सकती। फिर मेरे और आपके डैडी ने हमारी मंगनी तय कर दी। मंगनी से पहले आपसे मिलकर आपका चांद जैसा मुखड़ा करीब से देखना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप आज शाम को 5 बजे मुझे पार्क में मिलेंगे। आपकी माला। आहा, 5 बजे क्या, 4:30 बजे। आप लगते तो बहुत अच्छे हैं और बातें भी अच्छी करते हैं, मगर मुझे डर लगता है। डर लगता है? किस बात का? जी डर लगता है आप कहीं शरीफ बदमाश ना हो। जी जी हो सकता है ना, आप मर्द हैं और काफी रोमांटिक भी हैं। जी वो तो है। तो हो सकता है ना आपने पहले भी किसी लड़की से मोहब्बत की हो, तो फिर मेरा क्या होगा? अरे अरे आप रो क्यों रही हैं? मत छुइए मुझे, ब्याह से पहले छूना पाप है। सचमुच आप देवी हैं। जी वो तो है। देखिए आप कितने चालाक हैं, मेरी बात टाल गई ना, तो इसका ये मतलब है आपने पहले भी किसी लड़की से मोहब्बत की है। मेरा क्या होगा? आप रोना तो बंद कीजिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की। तो आप बात टाल क्यों गए थे? जी मैं बात नहीं टाला, मैं आप रोना तो बंद कीजिए। अगर मुझे पता चल गया तो? अगर आपको पता चल गया कि मैंने किसी लड़की से मोहब्बत की है तो मेरा सर और आपका जूता। जी हाँ, मेरा सर और आपका जूता। देखिए आप मुखर जाएंगे। जी मुखर कैसे जाऊंगा, जबान का पक्का हूँ। मेरा सर और आपका जूता। आप कितने अच्छे हैं। जी वो तो है। अब मैं जाऊँ? चलिए मैं आपको मोटर में छोड़ाऊँ। जी नहीं, शादी से पहले मर्द के साथ इकट्ठा जाना पाप है। ओ। आप यही बैठे रहिए और मुझे देखिए भी नहीं कि मैं जा रही हूँ। क्यों? आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? जी मोहब्बत तो बहुत करता हूँ। तो मुझे जाते देखकर आपको दुख नहीं होगा? जी बहुत दुख होगा। फिर ऐसा कीजिए आप आंखें बंद कर लीजिए और 50 तक के लिए। अच्छा। और फिर खोलिए। 1, 2, 3, 4। मगर आप देख रहे हैं। सॉरी फिर से गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अरे सुरेश तुम यहाँ पट्टी बांधे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। देखो ना, दिल को दिल से राह होती है। वो तो है। मगर तुम यहाँ आंखों पर पट्टी बांधे क्या गिन रहे थे? पट्टी मैं गिन रहा था कि अगर 50 गिनते तक तुम आ गईं तो हमारी और तुम्हारी मोहब्बत सच्ची, और तुम 24 पर ही आ गईं। तो हमारी मोहब्बत सच्ची है? बिल्कुल। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत। इतनी? इससे भी ज्यादा। इतनी? इससे भी ज्यादा। इतनी? इससे भी ज्यादा। सच? कहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं। शरीफ बदमाश, अगर हमारे घर मंगने के लिए आना है तो शशि के लिए, नहीं तो जूते मार मार कर सर गंजा कर दूंगी, समझे? वो तो है। चलो शशि चल। दीदी वो आया है।
कौन सुरेश? नहीं वो। अरे विजय, ये क्या ले आए? तुम्हारी बिटिया के लिए एक तोहफा लाया हूं। अच्छा तो लाओ मुझे, तो मैं पहुंचा देता हूं। अच्छा रामू चाचा, हाँ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये तोहफा उनसे मिलके दे दूं? ये तो नामुमकिन है भाई। नमस्ते। नमस्ते, मैं माला दीदी की छोटी बहन हूँ। अच्छा लो बेटा ये माला दीदी को दे दो, कहना विजय बाबू लाए। तो क्या आप ये तोहफा खुद नहीं दे सकते? क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, आइए आइए। जाइए जाइए। दीदी विजय बाबू आपसे मिलने आए। विजय बाबू। नमस्ते। ओह बैठिए। जी नहीं। अजी बैठिए ना। जी मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तो आप खड़े ही रहेंगे? आपकी मंगनी की खबर सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, सोचा कि आपको मुबारकबाद दे आऊं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपके दर्शन हो गए, वरना रामू चाचा ने तो मुझे बाहर से ही डाल दिया था। अच्छा शशि जरा रामू चाचा से झगड़ा करके आओ कि उन्होंने इन्हें मुझसे मिलने के लिए क्यों रोका। नहीं नहीं झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। वाजी क्यों नहीं, भला आपकी बेइज्जती मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। जाओ शशि जरा अच्छी तरह रामू चाचा को सुनाना, जाओ। झगड़ा जोर से करो ताकि यहाँ तक आवाज आए। नहीं झगड़ा करने की कोई। हाँ शशि जाओ जाओ। अब तो जाइए। जी मैं नहीं बैठूंगा, मेरी तरफ से ये नाचीज तोहफा कबूल कर लीजिए, यही मेरे लिए काफी है और मैं चला जाऊंगा। मेरी मंगनी तक नहीं रुकेंगे? जी नहीं, बड़े लोगों में मुझ जैसे गरीब का क्या काम। आप अपने आप को गरीब क्यों कहते हैं? मैं गरीब हूं ना इसलिए, नहीं तो नहीं तो नहीं तो। देखिए आपको मेरी कसम, आप मेरी मंगनी तक रहिएगा और उसके बाद मुबारक देके जाइएगा। आप मुझे इतनी कड़ी सजा क्यों दे रही हैं? क्यों, आपको मेरी मंगनी की खुशी नहीं है? जी मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर आप रहेंगे ना? जी हाँ। विजय भैया आइसक्रीम खाइए। शुक्रिया मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है। दीदी ने अपनी कसम दी है। हाँ? दीदी ने अपनी कसम दी है। अपनी कसम? लो मैंने खा ली, दीदी से कह देना कि मैंने कसम रख ली। दीदी ने खाया पूरी आइसक्रीम? पूरी मैं नहीं खा सकता। देखिए आप नहीं खाएंगे तो दीदी आपसे बात नहीं करेगी। जी आप चाहते हैं कि दीदी आपसे बात न करे? जी नहीं मैं खा ले रहा हूं। लो मैंने पूरी आइसक्रीम खा ली। हाँ ये बात है। अरे भाई जी जरा यहाँ आना। अरे भाई बहुत टाइम हो गया अभी तक नहीं आए, जरा फोन करवा के तो देखो। जी अभी अभी करवाता हूँ। दीदी ने आपके लिए ठंडा शरबत भेजा है। दीदी से कह दो कि मैं वैसे ही ठंडा हो रहा हूँ, ठंडा ना भेजे, आग को भेजे, मैं जरा गर्म होना चाहता हूँ। आप नहीं तो नाराज हो जाएगी। हाँ आप चाहते हैं कि दीदी नाराज हो जाए? जी नहीं जी नहीं। किसी आ रहा बच्चे लड़की के साथ नहीं, समझे? क्या बक रहे हो? वक्त मैं नहीं रहा, तुम रहे हो। हाँ तुम बकते हो, अपनी बेटी से पूछो जो औरों से इश्क करती फिरती है, वो खुद आकर सुना गई है सुरेश को। देखो भाभी रहम खाओ, मैं लड़की वाला, ये मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी इज्जत? इज्जत बचानी है तो अपनी बेटी का गला घोंट। शरीफ लोग ऐसी बेटियों को जिंदा गार देते। छोड़ो ना माँ, आवाज के मुंह क्या लगना। हेलो हेलो माला। तुम सुरेश से मिली? और तुमने उससे कहा था कि तुम उससे मंगी नहीं करना चाहती? जी क्यों? हैरी बेबी, ये सब
तो उसने आपकी मोहब्बत का फायदा उठाते हुए हमारी भोली शशि पर मोहब्बत के डोरे डाले और वादा किया कि वो शशि से शादी भी करेगा। लेकिन वो बेगैरत इंसान एक ही घर में दो डाके डालना चाहता था। वो मुझसे शादी करना चाहता था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? आपके डर के मारे इस मामले को हम खुद ही सुलझाना चाहते थे। हम दोनों उससे मिले थे और उसने कहा था कि वो मंगने के लिए आएगा मगर शशि के साथ। मगर वो आवारा है, बदमाश है, वो नहीं आया। क्या बात है लाला जी, क्या हुआ? ये मंगनी नहीं होगी। क्या मंगनी नहीं होगी? जी हाँ, इसलिए कि सुरेश आवारा है, बदमाश है। जय बजरंगबली। हे बजरंगबली, तू ज्यादा बलवान है। आज इस खुशी में मैं दंड मारता ही रहूंगा जब तक तू ना नहीं बोलेगा, जब तक तू ना नहीं बोलेगा। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, हे बजरंगबली। How are you, daddy? First class. Good, sir. माफ कर दीजिए daddy, की वजह से हुआ। नहीं माला, तुमने जो किया अच्छा किया बेटा। मैं उस आवारा को न शशि देता और न माला। अच्छा हुआ मुझे वक्त पर मालूम हो गया चोर कहीं का। अब बस कीजिए ना, डॉक्टर ने आपको बात करने के लिए मना किया है। मुझे क्या हुआ, तुम क्यों घड़ी घड़ी मुझे बोलती हो डॉक्टर ने मना किया? मेरे बच्चों से मुझे बातें तो करने दो तुम। मुझे इन्हें कोई खबर सुनानी है। सुनो बच्चों, खुशखबरी सुनाओ तुम्हें। क्या डैडी? हम लोग सब स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड? थैंक यू। तुम सबके पास बन गए हैं, सिर्फ माला का बाकी है। दो दिन में इसका पासपोर्ट भी आ जाएगा, उसके बाद जुइम। बच्चों आप तुम लोग बाहर जाओ, डैडी को आराम करना। यस मदर, यू आर राइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन, कम ऑन। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सुनो किसका टेलीफोन है? हेलो जी, हाँ सेठ जी हैं, लेकिन आप फिर किसी वक्त फोन कीजिए। मैं कह रही हूँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते। अरे भाई किसका है? रामदास। लाला जरूरी फोन है, ला मुझे। जरा ठहरिए। हाँ रामदास, हाँ मैं खेमचंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या इंश्योरेंस कंपनियां नेशनलाइज हो गई? बराबर खबर है। ओ, 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 ओ भगवान, क्या हुआ? आखिर बात क्या है, बोलिए ना। हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। बच्चों की मां, जितनी जल्दी भी हो हमें हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए कहीं। आज से तुम मेरे नौकरी नहीं बल्कि राजदार भी हो। ये मेरी अमानत है। मेरी जान से बढ़कर है मालिक, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे तमाम जीवन का सुख मिल गया। आपने इतना कहा तो मेरा ये जीवन इन चरणों में बीतेगा, यही खत्म होगा। ये लो। सामान बराबर बांधना जी। मुनिया सामान सब रख दिया? हाँ बीबी जी, दो बैग बाकी हैं, मैं अभी लाई। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? जी, मेरी किस्मत में यही लिखा है कि मैं अपने प्यारों से दूर रहूं। छोटी थी तो घर से दूर रही, अब वतन से भी दूर जा रही हूँ। मगर आपके माँ बाप भाई बहन सब साथी होंगे? हाँ, मगर उनके अलावा और भी तो कोई होता है जिससे प्यार हो जाता है। कौन है वो खुशनसीब? ये तो मैं नहीं जानती कि वो खुशनसीब है या नहीं, मगर इतना तो जरूर जानती हूँ कि मैं बदनसीब हूँ। माला चलो बैठो, बैठो। आप बाहर नहीं जा सकते, आपके गिरफ्तारी के वारंट हैं। ये
आपको हमारे साथ चलना होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, किसी दोस्त को फोन करके समन का इंतजाम करवा दो। आइए चलो। डैडी भाई क्या बात है? मुझे आपसे एक बहुत बड़ी मदद की जरूरत है। क्या काम काज के लिए कुछ माल पानी चाहिए? जी नहीं, कोई और काम है। तो फिर बोलो नहीं, बोलो नहीं, क्या काम है? आप सेठ खेमचंद जी को जानते हैं? क्या हुआ? तू चुप रह। वो पकड़े गए। पकड़े गए? गोवर्धन गिरधारी। चुप। फिर उनकी जमानत देनी है। तो मैं क्या करूँ? तो आप जमानत दे दीजिए। बात यही है। तुम्हारा उसका क्या रिश्ता है? अरे रिश्ते की बात जाने दो, आप ये काम कर ही डालो, शायद तीर निशाने पे लग जाए। तीर? अच्छा, अरे भाई हम तो रेडी हैं। रेडी? थैंक यू वेरी मच मिस्टर मदन, थैंक यू वेरी मच। मैं जरा टेलीफोन कर लूं। करो नहीं, करो नहीं, करो। थैंक यू। सब बदल गए। जिन्होंने डैडी के जरिए लाखों कमाए हैं वो भी नहीं पहचानते। डैडी की जमानत देने वाला कोई नहीं मम्मी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, रात हवालात में काटनी पड़ेगी। हेलो, कौन? मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय? कौन विजय? शायद मुझे आपने पहचाना नहीं, मैं वही अखबार वाला विजय हूँ। ओह, कहीं आपके डैडी की जमानत का इंतजाम हो गया है? जी जी हाँ, नामू चाचा को भेज रहा हूँ, आप उन्हीं के साथ आ जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आती हूँ। मम्मी डैडी की, मैं उनको लेकर आती हूँ। खेमचंद, तुम पर यह जुर्म साबित है कि तुमने कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए धोखा देकर पब्लिक के रुपए की खयानत में माना की, लिहाजा ये अदालत तो सबूत जुर्म दफा 409 और 420 काजी राते हिंद तुम्हें 7 साल कैद सख्त और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा देती है। बसूरत अदम अदाय जुर्माना, मुल्ज़िम 2 साल की मजीद कैद सख्त बर्दाश्त करे। यहां क्यों लाई? चोरी चमार ही तुम्हारे डैडी ने कुछ भी की, मगर वो अपने बच्चों के लिए इतना छोड़ गए हैं कि तुम लोग यहाँ न सही किसी दूसरे शहर में आराम से रह सकते हो। नहीं मम्मी, सरकारी आदमी आए हुए हैं, सामान की लिस्ट बना रहे हैं, ये भी उन्हें दे दो। माला, गलत तरीके से कमाई हुई दौलत पर हमारा कोई हक नहीं, ये गरीबों के खून पसीने की कमाई है, हम उनकी बदवाएं और नहीं लेंगे। ये देखा तुमने, सेठ खेमचंद को सजा हो। दीप, तू फिर भी क्या है? नहीं दीदी, हम गलत करके आया हूं। हम खबरदार दीप, इनको हाथ मत लगा। क्यों? डैडी की कमाई हुई दौलत पे मेरा पूरा हक है। ये दौलत अब डैडी की नहीं रही, सरकार की हो चुकी है, हम इसे वापस कर दें। तुम इसे वापस कर दो और हम सड़कों पे भीख मांगे। हम भीख क्यों मांगेंगे? लूले हैं, लंगड़े हैं, मेहनत करके हम ये छोटा सा कुंभा भी नहीं चला सकते। तो तुम सड़कों पे नाचना और मैं पेटी बजाऊंगा। दीप, बकवास बंद कर, दूसरी बार ऐसी बात की तो जबान खींच लूंगी। किसी की कोई इज्जत नहीं रही, डैडी मम्मी का लिहाज नहीं, मर्द है घर में, बहन को सड़कों पर नचाया। दीदी, उस दिन तो बड़े जोश से कह रहा था कि हराम की कमाई हराम जाती है, डैडी की कमाई मेरे खून में घुस गई है, मेरा खून खराब हो गया है। माला, अगर सब दौलत सरकार को दे दोगी तो इन बिचारों का क्या होगा? मम्मी, हमारे देश में बहुत थोड़े लोग हैं जिनका सहारा दौलत है, वरना लाखों की करोड़ों घर ऐसे में सब कुछ होता है। भाई को बहन को बहन समझते, सम्मान रखते हैं, उन्हें और मिनिस्टर भी बनते हैं। इसी तरह अगर हम सब जो जिस लायक हैं हिम्मत और सच्चाई से कदम आगे बढ़ाएं तो क्या हमारा बेड़ा पार ना होगा? होगा बेटा, जरूर पार होगा। हाँ दीदी, आप ठीक कहती हैं, इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं। रामू चाचा,
जरा एक चादर देना ये बांधने के लिए। आप अपने हाथों उन्हें दे दीजिए, ले लीजिए। तीस चालीस रुपए में दिल्ली में मकान। तूने कहा नहीं मकान तो मकान, एक टूटा झोपड़ा भी नहीं मिलता इस किराए में। अरे विजय भैया, वो बहुत अजीब लड़की है, उससे जिस मुश्किल की बात करो बस हंस देती है, कहती है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 30-40 रुपए में दिल्ली में मकान। हाँ मुनिया, मेरे ख्याल में ये भी ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? यही 30-40 रुपए में दिल्ली में मकान। मगर कैसे? तू फिक्र मत कर, एक काम कर, तू उसे कुछ कहना मत, किसने किया क्यों किया क्या समझे? विजय। ओ माँ, सब ठीक हो जाएगा ना? क्या ठीक हो जाएगा? विजय भैया मकान खाली कर रहे हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? जा जा जा। जाती हूँ माँ। माँ, बात यह है कि माँ कि वो। मैं समझ गई। ठीक है ना? तू बिल्कुल अपने बाप पर गया है, अपनी सुध नहीं। अपना क्या है माँ, हम दोनों अकेले, वहाँ वो इतने। तो मैंने कम ना कही? तू खुश है ना? तू खुश तो मैं खुश। ओ माँ, तू कितनी अच्छी है। भैया वो लोग आ गए। तू कुछ कहना हुआ था? नहीं। अरे मुनिया, तू यहाँ? यही तो है मकान। ये मकान है ना? तुम घूम कर वो आ गई माँ। अरे मुनिया, अरे जयराम जी, जयराम जी क्या है? अरे मेरी मेरा पति। ये मेरी सती है। मेरे पिताजी शायर थे, मैं पान वाला बन गया हूँ, पान बेचता हूँ, साबुन तम्बाकू सुपारी तेल वगैरह सब बेचता हूँ। आइए आइए ऊपर दे देना, आइए ऊपर। ये लोग ऊपर जा रहे हैं क्या विजय मकान में? अरे तू तो रहेगा ये नहीं। आइए ऊपर आइए। बड़ा अच्छा मकान है दीदी जी, बहुत अच्छा मकान। जाइए जाइए। अरे चुनिया के बच्चे, तुझे ये बकवास करने की क्या जरूरत थी? भाई कमाल है, हम तुम्हारे मकान की तारीफ करें और तुम हमें आंखें निकाल निकाल कर देखो। तुझे ये मुंह खोलने को किसने कहा था? देखो उस्ताद, भगवान ने मुंह दिया है, हम तो जरूर खोलेंगे। जहां हमारा अरे मिलावट हमारे उस्ताद की परी धरती पर आ गई। अरे लगन हो तो ऐसी हो, उस्ताद एक शेर हो गया, हमारे प्यार ने तुमको हम जैसा बना दिया। अरे रहते थे महलों में, सड़कों पे ला दिया। क्या शेर हुआ है? अबे पर आए उनके दुश्मन। क्या समझे? आप यहाँ? जैसे आपको मालूम ही ना हो कि हम यहाँ हैं। मुझे तो मैं पूछती हूँ, अपना मकान तो खाली कर हमारे लिए, खुद कहाँ है? बस यही, माता जी से मिलेगा, आइए ना। फिर कभी आओ। नहीं मैं पहुँचा देता। जी नहीं, औरतों के काम मर्दों के अच्छे नहीं लगते। विजय। हाँ माँ। रामू चाचा तेरे लिए काम रख गए हैं। कहाँ, कौन सा काम? खाना लाए थे तेरे उनके लिए, चाहते थे तू ऊपर पहुंचा दे। मैं पहुंचा दूं? शशि, लो दीदी कमरा भी साफ हो गया। अच्छा अब जल्दी से नहा ले फिर खाना बनाए। खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, खाना हाजिर। आप क्यों इतनी तकलीफ? तकलीफ? अजी ऐसी तकलीफ तो सर आंखों पर, लेकिन ये खुशकिस्मती तो मुझे अभी नसीब ही नहीं हुई। ये तो नंबर एक की तरफ से है, मोहल्ले में हर कोई चाहता है कि कम से कम एक दिन हर घर में मेहमान रहे,
और भगवान की दया से मोहल्ला बहुत बड़ा। छी 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 छी, क्या मकान है, नए सूट का सत्यानाश हो गया। नमस्ते मन। हेलो हेलो, ये आप कहाँ चले आए हवानों में? बिल्कुल नर्क है नर्क, ये कोई इंसानों के रहने का मोहल्ला? जी रहता तो यहाँ इंसान ही है। आप कौन से जानवर हैं? जी जी हाँ, आप बात कर लीजिए, बात कर लीजिए। तुमने हमारी इस तरह हंसी उड़ाने हो क्या? रोना तो यही है मम्मी, कि आप सब ने मुझे हमेशा गलत समझा है। भगवान जानता है कि आप लोगों का हाल सुनकर मुझसे रहा ना गया और मैं भाग कर यहाँ चला आया। आखिर मैं भी इंसान, इतना क्या गुजरा तो नहीं कि इंसानियत का फर्ज भूल जाऊं, इस दुख में आप लोगों का साथ ना दूं, हाथ ना बटाऊं। आपकी पहली मेहरबानियां क्या कम है हम पर, जब और एहसान ले आपका, आप पर आपके सलूक हम जिंदगी भर याद करते रहेंगे। भूल जाइए वो बातें, मैं अब भी आप लोगों का ताबेदार हूँ। चलिए मम्मी, मैं आप लोगों के लिए बंगला और नौकर चाकर सब का इंतजाम करके आया हूँ। बंगले मोटर का लालच हमें न दीजिए, हम ये सब भूल चुके हैं। ठीक माला देवी, आप बाहर से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है, लेकिन इन लोगों के लिए इस अस्पताल में रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम हमारी फिक्र करने वाले कौन? जैसे भी होगा हम बाबू, आप अब चले ही जाइए। ये कौन सा पान है? ये पान नहीं है, बेईमान है। समझ गया। अरे उस्ताद, ये मोटरें आज परियों के लिए उड़न खटोले हैं, उड़न खटोले। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी परी भी धरती पर आए और उड़ जाए। हाँ गड़बड़। अरे चुनिया, एक तरकीब करे करो, हम भी एक मोटर खरीद लें। हाँ हाँ मोटर खरीदो। अरे मोटर क्या, हवाई जहाज खरीदो, तुम्हारे चचा का राज है चचा का। लोग कहते हैं कि मजनू लैला की शादी हो गई, बात पागल हो गई। तुम पागल हो गए? अरे ऐसे खड़े खड़े फरहाद होने से कोई फायदा नहीं, कोई ठोस काम करो ठोस। हाँ कोई पहाड़ खोदो, नहर निकलवाओ, या एक ये सामने का गैराज खरीद लेना। खरीद लो। हाँ अच्छी बात, खरीद लेंगे। बहुत अच्छी बात बोल। अरे मैं अभी देसी काला कांडी पान खिलाऊंगा, पूना पान खिलाऊंगा। मैनेजर साहब हैं? जी हाँ, अभी अभी आए, अंदर जी। नमस्ते। वेरी लकी, वेरी लकी, आज हम आपसे ही बोनी करेंगे। माल भी बिल्कुल फ्रेश आया है, क्या क्या डिजाइन, क्या क्या कलर है साड़ियों के। मुझे साड़ी नहीं चाहिए। हाँ जी आप देखिए तो सही, देखने को भी दाम थोड़े लगते हैं। ये देखिए बनारसी साड़ियां आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये कलर, ये डिजाइन, ये जरा बॉर्डर मुनहजा फरमाइए, खालिस सोने का काम है। देखिए और ये देखिए, इसे कहते हैं दिल की प्यास, बहुत मुलायम चीज है, छू के देखिए। बहुत अच्छा। और एक्सक्यूज मी, मैं अभी हाजिर हुआ, आप माल पसंद कीजिए। नहीं नहीं बंद मत करो। ओह दिस इज वेरी प्रिटी, वेरी लकी, वेरी लकी। आज आज ही से बोनी करेंगे। माल भी एकदम फ्रेश आया है, क्या क्या कलर, क्या क्या डिजाइन है साड़ियों के। ये देखिए इसको कहते हैं दिल की प्यास। दिल की प्यास? हाँ। ओह बस जरा वो दिखाओ प्लीज। प्लीज जी हो। सब लेटर साड़ियां हैं। ओह ये देखिए बड़ी अच्छी साड़ी है, बिल्कुल नया डिजाइन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कोई और चाहिए? प्लीज ये देखिए, पल्लू देखिए। यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एक्सक्यूज मी, आपको क्या चाहिए? प्लीज वो मुझे देख रही है। थैंक यू। मगर वो तो प्लीज बाबा, वो मेरा टेस्ट जानती है। थैंक यू। All right. Can you call blouse, please? Something blouse, please. And petticoat. Please. I must have to match this.
नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जाओ अपना अपना काम करो, जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ। ये कलर आपको बहुत सूट करता है, इट्स ब्यूटीफुल। कपड़े तो सभी अच्छे पहनते हैं, मगर जब तक ऐसी पर्सनालिटी ना हो तो सब बेकार है। थैंक यू, हमें तुम्हारा टेस्ट बहुत पसंद आया। जितनी चीजें हैं सब पैक कर दो। मैनेजर साहब। यस। ये सब पैक करवा दीजिए और बिल बनवा दीजिए। श्याम देखो ये सब पैक कर। And will you please go to the counter? Thank you. Thank you very much. I am very sorry. आपको बहुत तकलीफ हुई, वो आपको सेल्स गर्ल समझ बैठी। कोई बात नहीं, आपका काम तो हो गया। जी बहुत बड़ा। कहिए आपकी क्या खिदमत की जाए, कौन सी साड़ी दूं आपको? मैंने कहा ना मुझे साड़ी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? नौकरी। नौकरी वो तो हम खड़े खड़े दे सकते हैं। थैंक यू। चोर कहीं के स्विट्जरलैंड जा रहे थे। बैठो मेरे प्रिंसिपल के पास। ए दीप। सुरेश क्यों, क्या हुआ? ट्रैफिक से बेखबर जिंदगी की भी परवाह नहीं? मरने जा रहा हूं। क्यों? कॉलेज से निकाल दिया गया हूं। हाँ बस, यहाँ तो बड़ी बड़ी महफिलों से निकाले गए। चला बैठ, चल। लगा के मैं हारी, तो से नैना
सगा बहू को? है कैसी? खटारा। क्यों मुनिया, गाड़ी पसंद आई कि नहीं? उसी से जा पूछ। अरे तू बता, तुझे कैसी लगी? बिल्कुल खटारा। सुन लिया उस्ताद, इन लोगों को तो पसंद ही नहीं आई। 700 रुपए का उधार और खटारे का ब्यौपा। अबे चार दिन के बाद देखना, जब दो हाथ फेर लूंगा ना इस पर। है और खर्चा? उस्ताद मैं पार्टनर हूँ ना इसमें। क्यों? नहीं मैं ये सोच रहा था कि खटारे के व्यापार में कहीं मेरी पान की दुकान ना चली जाए। अबे पान की दुकान तो जाएगी मोटर के कारखाने में। चली जाएगी तो मैं जरा मंदिर हो जाऊ। बंसी वाले तू इसकी मदद कर, नहीं तो ये मुझे भी ले डूबेगा। अच्छा दीप, बाय बाय। बाय। और सुनो, कल सुबह बंगले पे आना मत भूलना, मैं इंतजार करूंगा। नहीं अबे तुम गाड़ी रोको इधर। ये खटारा तुम्हारा है? हाँ सर मेरा है। तुम हमारे साथ ऊपर चलो, ऊपर से हमारा सामान लेके आओ। इस गाड़ी में हमारा सामान जाएगा, इस गाड़ी में हम जाएगा। भी इस वक्त नहीं सब तुम नशे। नहीं, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। दीप ने बहुत देर कर दी, अभी तक नहीं आया। आता ही होगा मम्मी, आप खा लीजिए। शीट 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 शीट, कितने बू आ रही है यहाँ पे। दीप नहीं, हमें ये हम लोगों के रहने की जगह नहीं बिल्कुल। दीप तो फिर भी क्या है, तेरी किताबें कहाँ है? दीदी मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। देख लो मैं क्या कहती थी, एक दिन में फिर ये बदल गया। हाँ, मैं बदल गया हूँ लेकिन मरा नहीं। तुम सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तुम लोगों के स्नर्क में नहीं रहने दूंगा। मैं कमाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, डैडी की तरह, सुरेश की तरह। तू सुरेश के साथ था? हाँ, सुरेश मेरा दोस्त है और वो नीचे वेट कर रहा है। चलो मम्मी, चलो चलो दीदी, चलो चलो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं नहीं दीदी, मैं लेके जाऊंगा आप लोग। तुम मेरे को मारती है ना? तुमने मेरे को मारा है, तुमने मेरे को मारा है ना? देख लूंगा। हट जाओ दीदी। ठहर शशि, दीप फेंक दे छुरी। समझ क्या कौन है? तू कौन है? तू कौन है? मैं तेरे कभी फिक्र करने की कोई बात नहीं, नशा उतरते ही ठीक हो जाएगा। दीदी उनका हाथ जख्मी हो गया, टिंचर है घर में? हाँ है, जरा लाना जल्दी। चलो मिस्टर, हैवानों के मोहल्ले से जल्दी से 9-2-11 हो जाओ। नहीं तो ये देखा है मिस्टर, ये देखा है, इसके पास एटम बम का भी जवाब है। जहां शराफत काम नहीं देती वहां ये कमाल दिखाता है। सुरेश आज तो बच गए बेटा, अपनी तकदीर को दुआएं दो। दोबारा कभी ऐसी गुस्ताखी की तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। दूसरी बार यहाँ ना आना सुरेश। क्यों? एक बात सुन लिया ना? ओ, मुझे मालूम न था कि एक को दूसरे की शह। माला बड़ी ओछी है पतंग तुम्हारी। मैं अपनी या किसी की बेइज्जती सहने को तैयार नहीं, चले जाओ यहाँ से। माला इस थप्पड़ को याद रखना, इसी थप्पड़ ने लाकर तुम्हें मेरे कदमों पर न डाला तो मेरा नाम सुरेश नहीं।
आपका गुस्सा, मुझे तो डर लग रहा था कहीं उल्टा हाथ ना मुझ पर ही। लाइए, अभी तो खून बह रहा है। मामूली जख्म है। रात में की जाए। ये तो जख्मी करने वाले को सोचना चाहिए। ये लो शशि, पहले मुन्ना को स्कूल में छोड़ देना, फिर तुम कॉलेज चली जाना। अच्छा मामा, चल मुन्ना। दीप अभी तक नहीं उठा? मैं उठाती हूँ। दीप, दीदी, रात के वाक्य के बाद मुझे खुद अपने आप से नफरत हो गई, बहुत शर्मिंदा हूँ। शशि, नाराज हो क्या? और नहीं तो क्या खुश हूँ। तुम नहीं समझी, मैं तो तुम्हारी दीदी के गुरूर को नीचा दिखाना चाहता था। दीदी को नीचा दिखाते दिखाते खुद जूते खा बैठे। लड़ाई में तो ऐसा ही होता है, किसी की हार किसी की जीत, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हें मुझ पर कैसे शक हुआ। वो तो हमारी मिली भगत। तो तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, और मैं समझता था कि मेरी शशि मुझसे प्यार करती है जैसा कि मैं उससे करता हूँ। मुझे मालूम न था कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। खैर कोई बात नहीं, अब समझ गया कि औरत की जाति बेवफा होती है। नमस्ते। ठहरो, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? नहीं नहीं, मैं धोखेबाज हूँ, और धोखेबाज दूसरे को धोखेबाज समझता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्या पता था। नहीं नहीं, नमस्ते। तुम्हें मेरी कसम है, ठहरो मैं आती हूँ। जो खाली हाथ जाएगा वो पछताएगा घर जाके, कि तरन आखिरी तरन ही तरन थी। चल देखो, वो आधा वर्ष जी, मुझे कुछ चाहिए। वहां जाइए। जी नहीं, मुझे जनाना कपड़ा खरीदना है। कहाँ है आपकी औरत? आप अपने आप को ही समझ लें तो ज्यादा आसानी। क्या मेरा मतलब है, कद यही, जिस्म यही। क्या कपड़ा चाहिए आपको? नैन सुख। नैन सुख बहुत मिलेगा हमारे यहाँ। बड़ी मायूसी के बाद उम्मीद दिलाई आपने, बहुत ढूंढा कहीं नहीं मिला। कितना चाहिए आपको? जी एक जम्पर के लिए कितना लगेगा? एक गज, बहुत टाइट बनता है आजकल। नहीं जी, मुझे तो 5 गज लिखवाया है। जंपर के लिए नहीं, बुरके के लिए चाहिए होगा। नहीं जी, शलवार भी लिखी है कहीं 1.5 गज की। 1.5 गज? क्यों तबसरमाया आपने? आप उल्टा लिख लाए हैं, 1 गज का जंपर और 5 गज की शलवार। नहीं जी, लिखा तो सीधा ही है, मैं ही उल्टा पढ़ रहा था। अच्छा, ये जो आप देवतन की हुए हैं, इसका क्या नाम है? ब्लाउज 1.25 गज लगता है इसमें। मेरा मतलब है, इस कपड़े का क्या नाम है? आंख का नशा। सुभान अल्लाह जी। मेरा मतलब है, बड़ा प्यारा बड़ा मौजू नाम रखा है आपने इसका, बस यही दे दीजिए। मगर ब्लाउज सलवार पे नहीं पहना जाता। जी कोई बात नहीं, ऊपर तो बुरका ही आने वाला है। शायर साहब, मेरी राय में आप बुरके का कपड़ा ही खरीद लीजिए। ये भी ठीक है, तो आप बुरके का ही कपड़ा दे दीजिए। तो वो आपको उस काउंटर पे मिलेगा, जाइए। यहाँ नहीं मिलेगा? जी नहीं। अच्छा, आधा वर्ष? आधा वर्ष। आधा वर्ष। विजय मोटर वर्क्स, बोर्ड भी लग गया और गैरेज भी खुल गया। जी हाँ, जैसे मैं मुनिया पर रोक डालने के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इसी तरह ये भी आप पर रोक डालने के लिए आसमान से सितारे उतारना चाहता है। मेरे लिए? आप मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, हर इंसान जिंदगी में एक मंजिल बनाता है और वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। आपकी मंजिल कौन सी है? जिस दिन आप समझ जाएंगी वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। ए पेड़ा, पेड़ा खिलाए, पेड़ खाइए, इनको भी खिलाइए, मैं भी एक खाओ खाओ। अब मैं जाऊं? कल इसी वक्त आओगी? शशि,
शशि, घर पर सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। और तुम भी? हाँ, मैं क्यों नहीं। दीप, तुम घर पर आ जाओ ना, मैं और तुम मिलकर मम्मी को मना लेंगे। सुरेश हमें सब कुछ दे सकता है, बंगला, मोटर, वही आराम जो कभी डैडी के वक्त में था। हाँ, इन चीजों की कीमत क्या देनी पड़ेगी। यही ना कि वो तुम्हें खिलौना बनाकर तुमसे खेलता रहेगा और माला दीदी पर डोरी डालता रहेगा। नहीं, माला दीदी से तो उसे बदला लेना था, वो तो शादी के मंडप से उठकर चले जाने वाला था। और तुमने उसकी बात मान ली? वो मुझसे प्यार करता है। पागल ना मनो शशि, वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है, वो अपनी हवस पूरी करने के लिए तुमसे। चुप रहो दीप। सच कहता हूँ शशि, मैं सच कहता हूँ, तुम्हें आराम चाहिए, तुम्हें दौलत चाहिए, मैं कमाऊंगा, मैं तुम्हें हर तरह का आराम दूंगा, तुम सुरेश से मिलना छोड़ दो। जब कमा के आना तब व्याख्यान देना। चलो ड्राइवर। माला, बेटे तुम खाना खाने नहीं गई? नहीं मैनेजर साहब, मैं घर से खा के आई हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी लंच टाइम है, थोड़ी देर आराम करो। जी, मुझे काम अच्छा लगता है। सेठ जी, यही वो लड़की है जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। ऐसी शुभ कदम है, जब से दुकान में आई है दुकान की बिक्री दुगनी हो गई। नमस्ते। आप अंदर आइए। बैठो। मैंने तुम्हें बुलाया है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे। नहीं, कोई बात नहीं, आप कहिए ना कहिए, मैं समझ गई। ये लो अपनी आज तक की तनख्वाह और ये लो चेक। ये किस लिए? तुम्हारा एक बरस का एग्रीमेंट है ना, ये तुम्हारे बाकी महीनों की तनख्वाह है। ये नहीं चाहिए मैनेजर साहब, हम बगैर काम किए की तनख्वाह या बख्शिश नहीं लेते। भगवान तुम्हें सुखी रखे। नमस्ते। नमस्ते। शशि, जल्दी कॉलेज जाओ वरना लेट हो जाओगी। मैं कॉलेज जाकर ही क्या करूं? क्यों? इसलिए कि कभी किताब है तो कॉपी नहीं, कॉपी है तो किताब नहीं, दूसरों से मांग मांग कर कहाँ तक पढ़ूं? और फिर ऐसी पढ़ाई से फायदा ही क्या है? तुम्हारे पास पूरी किताबें नहीं है क्या? कहाँ ला कर दे तुम्हें? मम्मी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? पूछो कब ला कर दे। मम्मी, मम्मी, क्या है माला? आपने शशि को किताबों के लिए पूरे पैसे नहीं दिए? राशन नहीं था घर में, इसलिए कुछ रुपए कम पड़ गए। लो शशि, बाकी किताबें ले लो। किताबें तो ले लो, मगर ये हर महीने फीस और ड्यूज का झगड़ा पड़ता है। वक्त पर तुम रुपया देती नहीं, क्लास में मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं नहीं जाऊंगी। दीदी, तुम्हारी तरह नौकरी क्यों ना करूं? ये नहीं होगा। लो, किताबें, फीस और तमाम ड्यूज जाके भर दो। ये सब रुपया दे दिया तो ये हमारे खाने पीने का क्या होगा? इसकी फिक्र तुम मत करो, ये मेरा काम है, तुम जाओ। मुन्ना, तुम भी चलो। I am sorry, madam. There is no vacancy. जी, मैं टाइपिंग भी जानती हूँ। भाई, एक मर्तबा कहा ना नौकरी नहीं, आप जाइए। हाँ सेठ जी, भगवान की मेहरबानी है। माला, आप इधर आइए। आपको इस दुकान पे आने की क्या जरूरत थी? दीप को भेज दिया होता। दीप? दीप घर छोड़कर चला गया। क्यों? चिट्ठी छोड़ गया कि मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ। घबराइए नहीं, वो वापस आ जाएगा। मैं इसे भेज दूंगा, आप मेरे साथ आइए। आइए। पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी होगी आपको।
जी नहीं तो इन्हें बेचने क्यों आती? मगर आप तो नौकरी करते हैं ना? मगर वो सहारा भी जाता रहा। क्यों, क्या हुआ? नौकरी छूट गई। ओहो, देखिए आप कल तक इन्हें बेच के जरूर पैसे ला दीजिए, जब तक नौकरी ना मिली घर गुजारा करना है। घर के गुजारे के लिए क्या ये जरूरी है कि आप नौकरी करें? तो और क्या करें? शादी कर लीजिए। ये मैं सोच भी नहीं सकती जब तक डैडी वापस ना आए। तो फिर किस किस्म की नौकरी पसंद है आपको? कैसी भी। तो आइए फिर, मगर मेरे साथ काम करने में आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? ए सुनिया, पाना ले आ। आओ बैठो, हाथ लाओ, हाथ लाओ, आंखें बंद कर लो। ये क्या? तुमने नहीं रुपए तुम्हारे खाते में लिख दिया है, तुम्हारी तनख्वाह में से काटे जाएंगे। जब से तुम्हें देखा सनम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या, पहला मुलाई है घटा, अब मन जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, मतलब तो अब समझा हूँ मैं, धड़कन भरी आवाज का, एहसान मेरे सर पे है, तेरी निगाहें नाज का, अब मन जाना प्यार क्या है, तेरी आंखों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम।
दिल बेकरार सा है। हाथों में आंचल थाम के ये सर झुकाने की अदा दीवाना कर देगी मुझे यूं मुस्कुराने की अदा। अब मन जाना प्यार क्या है तेरे होठों की कसम दिल बेकरार सा है हमको खुमार सा है जब से तुम्हें देखा सनम बेकरार सा है थी जो दीदी हमें अस्तबल में ले गई। देख लो आज ही सारी कलाई खोल दूंगी। अरे छोड़ो ना तुमसे कुछ नहीं होने का। क्यों नहीं? तो फिर मैं भी तुम्हारे घर आऊंगा। तो फिर माँ से कहोगे ना? हाँ। और हमें अपने घर ले आओगे? जरूर। अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान अल्लाह मेहरबान। जल्दी वापस कैसे आ गया? तुझसे तो कोई धंधा होता ही नहीं है। तेरा दिल आजकल काम में लगता ही नहीं। ये बात तो तुमने लाख रुपए की कही कि मेरा दिल काम में लगता नहीं। भाई साहब जरा ये गिनना तो। ये तो करीब 100 रुपए होंगे इसमें। 100 रुपए ये बात हुई ना ये 100 रुपए हुए। अच्छा अब ये बताओ कि दरियागंज से सब्जी मंडी तक कितना किराया होता है? करीब 1 रुपए। 1 रुपया और हमने 100 रुपया कमाया है दरियागंज से सब्जी मंडी तक। अब बोलो दरियागंज से सब्जी मंडी के लिए 100 रुपए मिले तुझे? हाँ। वो कैसे? एक बुद्धू ने दिया। बुद्धू ने अपनी गाड़ी में उसने 2-3 बक्से भी रखे थे। आदमी कितने थे उसमें? आदमी मेरे ख्याल से 2-1 आदमी भी थे उसमें। अरे उसने कहा कि आज रात को भी आना 100 रुपए दूंगा। अब वो बुद्धू है कि नहीं? अबे बुद्धू वो नहीं बुद्धू तू है। मैं कैसे? तू नहीं समझेगा। आज मैं जाऊंगा। आज तू जाएगा? वेरी गुड। 1, 2, 3, 4 अरे अरे 50 रुपए कहाँ? हे विजय तेरे खिसे में मेरे 50 रुपए रह गए। ये रहा तुम्हारा माल। लो 5000 रुपए। ठहरो। क्यों? पहले माल गाड़ी में पहुंचाओ। गाड़ी अभी तक नहीं आई क्या? वो रही गाड़ी। चलो और ड्राइवर सामान अपने लो। तुम पीछे क्या है इसके अंदर? बोल अफीम गांजा क्या है? बोल कोई सुन लेगा इसे। मुझे इससे बहुत पैसा मिलता है। इस हराम की कमाई से क्या फायदा? लेकिन हलाल की कमाई में कुछ नहीं मिलता। मगर रातों की नींद तो हराम हो जाती है। क्या होता है? तो मिलता है। मुझे माल चाहिए। शशि को सूरज से बचाना है। उसे ऐश चाहिए। उसे आराम चाहिए। उसे दौलत चाहिए। शशि के लिए तो अपनी जान खतरे में डाल रहा है और तुम्हें अपनी माला दीदी का कोई ख्याल नहीं जो तुम्हारे लिए इतना परेशान है। माला दीदी देवी है विजय। माला दीदी देवी के सामने नहीं जाऊंगा। मुझे जाने दो। दीदी आज मैं तुम्हें घर लेके ही जाऊंगा। मैंने माला से वादा किया कि तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। चल मेरे साथ चल। अच्छा विजय मैं ये बैग उन्हें दे के आता हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाओ। भाइयों तुम लोग दूसरी गाड़ी कर लो। मेरा आज से धंधा बंद। ये लो अपना माल। लाओ मेरे पैसे। जो आ गया था
अभी आ जाएगी बेटा। ए मिस्टर, तुम्हारी बहन आई है। नहीं नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके तो चली जाए, चली जाए। दीप, दीप, दीप। चली जाओ दीदी, चली जाओ। मैं तुम्हारा भाई नहीं, भाई के काबिल नहीं। देख, मैं क्या लाई हूँ? आज, आज रक्षाबंधन है दीप। पहले भाइयों को राखी बांधती है और भाइयों पर बहनों की रक्षाबंधन होता है। तू मेरी रक्षा नहीं करेगा दीप, बंधन तोड़ देगा। दीप, तू क्यों हार मान गया? क्यों मुझे अकेले छोड़ दिया? हम दोनों मिलकर सारी मुश्किलों का सामना कर सकते थे। नहीं नहीं दीदी, नहीं। मुश्किलें हमारे पास की नहीं, शशि मम्मी को वो चाहिए जो तुमसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता। डैडी के जमाने की मोटर, बंगले, बेइंतहा दौलत चाहिए, वो सिर्फ सुरेश दे सकता। हाँ दीदी, काफी हद तक पहुंच चुका। कुछ अपने औकात का भी ख्याल किया? चली आई हो सेठ खेमचंद की बेटी को बहू बनाने। माफ करना बहन, गलती मेरी ही है, आप बहुत बड़े हैं। देख ली इनकी हिम्मत, नौबत यहाँ तक आ गई है। मैं तो पहले ही कहती थी, नौकरी का तो सिर्फ बहाना है, गैरेज में क्या क्या होता है तुम्हें क्या मालूम। मैंने इन्हें नाचते गाते घूमते फिरते अपनी आंखों से देखा है। हमें यहाँ इस अस्तबल में लाया ही इसलिए गया है कि दोनों एक दूसरे के करीब रहें और रंगरलियाँ मनाते रहें। मम्मी, तुम ये क्यों भूलती हो कि तुम्हारी सगी नहीं सौतेली लड़की है, तुम्हें कभी सुखी नहीं देख सकेगी। टेडी की दौलत वापस न करते तो यहाँ न सही, किसी दूसरे शहर में तो सुख चैन की जिंदगी बसर कर सकते थे। माला, हमें यहाँ लाकर यूं ही जलील करवाना था। क्या हुआ मम्मी? रिश्ता मांगने आई थी तेरा। कौन? जिसके साथ तू गई थी उसकी माँ। बोलती जाऊंगी अब, त्योहार के दिन छोटा भाई राखी बनवाने को बैठा और बहन हाथ में राखी लेकर भाग गई। मैं पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस स्टेशन? हाँ। वहाँ कौन है तेरा? वहाँ मेरा भाई है दीप। दीप पुलिस स्टेशन में? हाँ, हुआ सुनकर जी ठंडा। मैं दीप को वहाँ राखी बांध कर आई हूँ। मैं इस लड़क में ले आई थी ना तुम्हें, मेरी कमाई से तुम्हारी नियत नहीं भरती थी ना। दीप फिर तुम्हारे लिए बंगले और गाड़ियां ढूंढने गया। बंगले और गाड़ियां तो नहीं हुए, उसे सजा हो जाएगी। भगवान, मलाय तूने हमसे किस जन्म का बदला लिया? अगर रुपया वापस न करती तो ये दिन देखने को तो ना आता। तेरी बातों में आने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा जवान बेटा मेरे हाथ से गया। चल शशि चल, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन मम्मी, हम जाएंगे कहाँ? मेरे होते आपको क्या कमी? सुरेश, बेटा हमें यहाँ से ले चल, इस लड़की ने हमें बर्बाद कर दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलिए। चली जाओ सुरेश। अकेला ही? तेरा ख्याल है कि तू इनको साथ ले जाने की धमकी देगा और मैं तेरे पाँव पड़ूंगी? अब समझी हो माला देवी, मैंने जिंदगी में जो चाहा वही पाया। तो ये तेरा वहम है सुरेश, चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। शशि, मम्मी और मुन्ना को लेकर बंगले पर आ जाना। हमारा जीने का सहारा ही कौन सा है? मैं हूँ मम्मी, तू खुद विजय के टुकड़ों पर पलना चाहती है जो कभी अपना पेट नहीं भर सकता। नहीं, ये क्या कह रही हो मम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ।
हम यहाँ से चली जाएंगे मम्मी, तुम्हें जो चाहिए दूंगी, बंगला, गाड़ी, नौकर। लेकिन भगवान के लिए जब तक डैडी न लौट आए, शशि को सुरेश के हाथों तबाह होने से रोक लो और तुम विजय से मिलती रहोगी। मैं उससे नहीं मिलूंगी। हाँ, नहीं मिलेगी। मैं मम्मी की सौगंध खाती हूँ, मैं उससे नहीं मिलूंगी। और तू भी सौगंध खा कि सुरेश से कभी नहीं मिलेगी। खा सौगंध। मैं भी मम्मी की सौगंध खाती हूँ कि सुरेश से नहीं मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी कंपनी में काम करेंगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैनेजर जी, मेम साहब के लिए फर्स्ट क्लास बंगला, फर्स्ट क्लास मोटर कार और फर्स्ट क्लास खाने पीने का बंदोबस्त होना चाहिए। हो गया। जाओ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू। विजय, अरे विजय उठ, उठ ना, उठ जल्दी कर। क्या है माँ? वो लोग जा रहे हैं। कौन? माला और उसके घर वाले, मकान छोड़कर। मकान छोड़कर? हाँ। सुनिए, आप कहाँ रहे हैं? मेरी लॉटरी निकल आई है। लॉटरी? हम लोग एक अच्छे बंगले में जा रहे हैं। अच्छा, जाइए। लेकिन अच्छा विजय बाबू, शुक्रिया। चलो ड्राइवर। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं माँ, परी धरती पे आई थी, उड़ गई। मगर तुम क्यों आंसू बहा रही हो माँ? मैं सोचती हूँ मैं ही ऊपर ना जाती तो। उन्हीं का लिखा होता है माँ, क्या कर सकती हो तुम? क्या कर सकता हूँ मैं? मदन रवि से थिएटरिकल कंपनी प्रेजेंट्स मिस माला। अब्दुल्ला,
जरा बच के। आपको मिलने के लिए मुझे एक्टर का ढोंग भी रचाना पड़ा। आपको मेरी यह हरकत नागवार भी गुजरी हो, फिर भी मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मुझे आपसे यह पूछने का हक है कि आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। मजबूरी। मोहब्बत से ज्यादा? जी। क्या मुझे आपसे पूछने का हक है? बेशक जी, मगर आपको न बताने का मेरा हक है। तो क्या मेरे साथ मोहब्बत के वादे एक धोखा था, प्यार की बातें सब फरेब था? आप जो भी समझना चाहें, ये आपको हक है। तो आपको मेरे जज्बात से खेलने का क्या हक था? एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देने का क्या हक था? क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूं। कब मुझे पहले पता चल गया होता? अब तो पता चल गया बहुत अच्छी तरह कि आप एक भोली भाली सूरत वाली लड़की नहीं, बल्कि नागिन है। नागिन जो डसती है तो तब मालूम होता है जब शिकार दम तोड़ चुका होता। मैं इस कदर होशियार हूं, ये मुझे भी पता ना था। अब तो मालूम हो गया ना? जी। जी चाहता है कि तुम जैसी लड़की को। आप लोग क्यों गए? इसलिए कि कहीं आशिक बदनाम ना हो जाए। आप खुश रहिए, मैं दुआ देता हूं कि मेरी बर्बादी पर भी आप खुश रहिए। मां बनने वाली। बेशरम, बेहया, सुनी अपनी कर तो तूने। खबरदार दीदी, हाथ मत लगा, नहीं तो मेरा हाथ भी उठ जाएगा। बेशरम करतूत के बाद तेरी ये हिम्मत कि मुझ पर तेरा हाथ उठ जाएगा? कलंकी ने
तूने हमें दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। ये मेरा कलंक नहीं है तो और क्या है? मेरा प्यार है मम्मी, मेरा प्यार है। प्यार? हाँ, हमने ब्याह किया है, वो मेरा पति है। सच तूने ब्याह किया है शशि? हाँ मम्मी, हाँ। तो अभी तक हमें बताया क्यों नहीं था? इसलिए कि शायद तुम इस रिश्ते को मंजूर ना करो। अगर ये सच है शशि तो मैं तुम्हारे हजार थप्पड़ खुशी से सहूंगी, लेकिन वो आवारा है, बदमाश है, चालाक है। तुमसे मोहब्बत के खेल खेलने के बाद भी वो मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे डर है शशि, अपनी हवस में मजबूर होकर उसके फरेब में आ गई हूँ। बस दीदी, मैं एक भी लफ्ज अपने और सुरेश के खिलाफ नहीं सुन सकती। शायद वो सुधर भी गया हमाला, हमें दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए। मम्मी, शशि से पूछो सुरेश से मिलने जा रही है। हाँ, लेकिन उससे पूछ के आना। मैं अपना, वो तो ठीक है, लेकिन आज फैसला करके आना। हाँ, फैसला करके ही आऊंगी। क्या तुम माँ बनने वाली हो? और तुम बाप? देखो शशि, तुम माँ बनना चाहो तो बन सकती, लेकिन मैं बाप बनने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। क्या मतलब? मतलब साफ है कि मैं बाप बनना नहीं चाहता। मगर बाप तो तुम बन ही जाओगे, तुमने मुझसे ब्याह जो किया था। किसने किया था, कब किया था, कहाँ किया था? तो क्या शिव मंदिर में ब्याह का सब ढोंग था, धोखा था? शिकारी का काम है जाल फैलाना, चिड़ियों को चाहिए कि उसमें ना आए, और अगर वो खुद बखुद आकर उसमें फंस जाए तो उसमें शिकारी का क्या कसूर? सर होश में आओ सुरेश, ये मेरे खानदान, मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है। तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है कहाँ? तुम्हारा धोखे के इल्जाम में जेल में सजा काट रहा, तुम्हारा भाई चक्की पीस रहा। सर सोचो तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा तुम खुद सोचो, चली जाओ यहाँ से। चाची काम खाने गले नहीं पड़ो, चली जाओ। चाची सुरेश, मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देती हूँ, रुक जाओ। सुरेश बेइज्जती, रुसवाई, इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। लोग पहले ही ताने देते हैं, अब तो जीना नहीं देंगे। मैंने सोच लिया है, कोई भी कुछ न कहेगा। कैसे? बच्चा पैदा होने से पहले हम कहीं शहर से बाहर चले जाएंगे, और जब वापस आएंगे मैं कहूंगी मेरा बच्चा है। तुम कहोगी मेरा बच्चा है तो क्या बदनामी ना होगी? मेरी बदनामी की फिक्र मत करो मम्मी, मैं कैसे भी हो गुजार लूंगी, लेकिन शशि की इज्जत तो बच जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो माला? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी, हमारे पास पैसा है, दौलत है, शशि का ब्याह किसी अच्छे घराने में कर देंगे। शशि के लिए तुम अपना संसार बिगाड़ दोगी? मेरा संसार ही कहाँ है, वो तो पहले ही तबाह कर चुकी हूँ। अब तो खानदान की इज्जत का सवाल है, वो बच्चा है तो अच्छा है। तुम्हारे इस कुर्बानी से खानदान की इज्जत कैसे बचेगी? मेरी समझ में नहीं। लोग कहेंगे सौतेली थी, इसलिए माँ बाप के कब्जे में नहीं रही। जाओ मम्मी, मेरी फिक्र मत करो, जाओ। एक नाकाम आशिक की तरह ये नाचीज तोहफा कबूल कर लीजिए विजय। Thank you.
चाहता तो बहुत था कि जाना हो, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर सोचा आपको जन्मदिन की मुबारकबाद दिया। फूलों का शुक्रिया और साथ ही शुक्रिया आज आपने गालियों की बुरा शुरू नहीं की। जिन्हें आप गालियां समझती हैं वो गालियां नहीं, हकीकत है जी। मगर सच मानिए आपकी गालियां मुझे बहुत मीठी लगती हैं। मैंने कभी उनका बुरा नहीं माना। क्यों? मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। और मैं भी जानता हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ है, वरना आप ये कपड़े अपने जन्मदिन पर नहीं पहनती। विजय बाबू आप मुझे भूल जाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं। माला आप जा सकते हैं। माला ये नाटक तुम कब तक खेलती रहोगी? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। बताओ क्या परेशानी है, बताओ। तुम्हें मेरे प्यार की कसम। विजय बाबू सुनोगे तो मुझसे नफरत करने लगे। माला मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है और हल मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये सुनकर भी कि मैं एक बच्चे की मां बनने वाली, ये मैं जानता था कि तुम हरजाई हो, लेकिन इस कदर बेहया हो ये मैं नहीं जानता था। ठहरिए विजय भैया, फूलों को ना रौंदिए। शशि बच्चे की माँ नहीं मैं बनने वाली हूँ। मेरे ही कारण दीदी ने आपसे प्यार का नाता तोड़ा था और अब दीदी मेरा गुना अपने सर ले रही है। शशि ड्राइवर जल्दी। रिक्शा वाले उस लड़की को रोकना, मेरा पीछा कर रहा है। इस लड़के का पीछा करता नहीं किया जिसकी सजा मौत है। तुमने प्यार किया था शशि, तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम्हारे मर जाने से उस मक्कार का रास्ता साफ हो जाएगा शशि। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तुम दो जाने दे रही हो शशि। दूसरी जान मेरा कलंक है। नहीं, वो तुम्हारा प्यार है। तुम माँ बनने वाली हो शशि, माँ। और माँ अपने बच्चे को मार नहीं सकती, माँ की लाज रख लो। आओ शशि ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ शशि। हेलो माला, मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया। मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया? क्या मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया? कहाँ? स्कूल के सामने। स्कूल के सामने? आप मुन्ने को देख रही हैं? जी हाँ। उसे तो अस्पताल पहुंचा दिया है। अस्पताल? चलिए आपको वहां पहुंचा दें। आइए आइए। क्या
माला भी दिया। माल गया। खत्म हो गया। माला को कुछ गुंडे उठाकर ले गए। गुंडे कहाँ? ये मालूम नहीं, चार पांच आदमी थे और साथ क्या नाम उसका, वो सुरेश भी था। सुरेश भी था? मैं जानती हूँ कहाँ ले गया होगा। विजय भैया अपने आदमी साथ ले लो। चलो वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। बैठिए ना, बैठिए। कहिए पसंद आया? आपके आने की खुशबू बहुत कमरा सज गया है। और ये देखिए एयर कंडीशनर, इस कमरे को कश्मीर की तरह इतना ठंडा कर देता है कि दांत से दांत बजने लगते हैं। ये सब आपने मेरे लिए किया? जी हाँ, अब आप होंगी और मैं होऊंगा और ये छोटा सा कमरा जन्नत। तो मेरे हाथ तो खोल दीजिए। एक शर्त पर। जानती है मैंने थिएटर में कहा था कि एक दिन आपको मेरे घर में नाचना होगा? आज मैं वादा कीजिए, अभी हाथ खोल देता हूँ। ये बात हुई ना कल की, लोगों ने आपके हाथ भी बहुत जोर से बांध दिए। ये काली रात की तरह से आपके बाल कितने खूबसूरत। बीज मैंने बोए और मैं ही इन्हें काटूंगा। सर ये तो बेहोश हो गया। नेचुरल और रियलिस्टिक टच देने के लिए फर्नीचर और मकान तो क्या, हम जान की भी परवाह नहीं करते हैं। क्यों? श्योर। आपका डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर भी यही है और हीरो भी यही है। जी, मैं हूँ और कंपनी के मालिक और विलन ये हैं। जी हाँ, पैसा मेरा लग रहा है। तो सेठ साहब आप पैसा भी लगा रहे हैं और मार भी खा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब बस बात कुछ ऐसी है, लेकिन बात दरअसल ये है कि इस ड्रामे की हीरोइन ये नहीं वो है, और उनके लिए जान और माल की बाजी लगाना कोई बड़ी बात नहीं, समझे आप। मगर साहब अगर ये रिहर्सल था तो मुझे क्यों बुलाया गया? आपको कौन बुलाया? किसने बुलाया? ये लो। अरे बेवकूफो, कंपनी की पुलिस के लिए कहा था, आपने असली पुलिस ले आया। अरे साहब माफ कर देना, हम लोग जरा नए भर्ती हुए हैं और हम लोगों में अक्कल जरा कमती है ना। एक्सक्यूज मी मिस्टर सुरेश जी, मेरा ख्याल इंटरवल किया जाए और एक कप गरम चाय पिया जाए इंस्पेक्टर साहब के साथ, क्या ख्याल है? तो बड़ा नेक ख्याल है, और जब तक हम लोग ताजा दम भी हो जाएंगे। आइए इंस्पेक्टर साहब, चाय। सॉरी आई एम ऑन ड्यूटी। हेलो हेड कॉर्नर, एक कैदी नामी खेमचंद
मालिक इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल से भाग गया है। हेलो 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 हेडक्वार्टर, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, एक कैदी नाम खेमचंद, डायरेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल से भाग गया है। उषा रोड पर उसके बीवी बच्चे रहते हैं, मकान को घेर लो, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और दिल्ली से बाहर जाने वाली सड़क पर पहरा लगा दो, ओवर। चलो स्टार्ट। अरे सितंबर अक्टूबर नवंबर पिछली बजा लगा दी। इंस्पेक्टर साहब, मालूम होता है आपको ड्रामा पसंद आया। ठीक है, फिर तो श्योर हिट। हाँ, श्योर डायमंड जुबली। इंस्पेक्टर साहब पहले दिन ही देखने आइएगा। जरूर आएंगे। थैंक यू। जल्दी मर जाते, और मैं चाहता हूं कि तुम सिसक सिसक कर मरो, ताकि तुम्हारा एक एक गुनाह तुम्हारे सामने आए, तुम जिंदगी के लिए तड़पो और मौत की स्याह चादर तुम्हें डराती रहे, तुम डर से चीखो,
तुम्हारी आवाज इस चार दीवारी से बाहर ना जाए। तुम एक घूंट पानी के लिए चिल्लाओ और तुम्हें कोई पानी देने वाला ना। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उस पर नमक छिड़कूंगा कि आइंदा तुम जैसे शरीफ बदमाश शरीफ जादियों की इज्जत पर हमला करने से पहले ये सोचे कि गमजदा बाप तुम्हारे साथ क्या सलूक नहीं कर सकते। डैडी, डैडी, सुरेश हमारा दामाद है, हमारी शशि का सुहाग है, हम अपनी बेटी का सुहाग नहीं उजाड़ सकते डैडी। हाँ डैडी, इसने शशि से शादी की थी, भगवान को साक्षी किया था। दामाद जैसे भी हो, ससुर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए दामाद को सर आंखों पर बिठाते। लेकिन ये जलील इस शादी को कबूल नहीं करता। न करे, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि शादी नहीं हुई। ये हमारी शशि की होने वाले बच्चे का बाप है डैडी, इसलिए हमने इसे पुलिस के हवाले नहीं किया। इसने मेरी इज्जत बर्बाद करनी चाहिए, फिर भी मैंने बदला नहीं लिया क्योंकि ये हमारी शशि का सुहाग है। तुम देवी हो, तुम दया धर्म का रूप हो। मुझे सजा दीजिए, मुझे जरूर मारिए, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हम सबके सामने शशि से शादी करो। ये सजा, ये तो इनाम है। याद है आपने एक बार कहा था कि आप मुझे अपना बेटा बनाना चाहते हैं। हाँ जी, खबरदार कोई भी अपनी जगह से न हिले। चलिए डैडी। माला, तुम्हारी मुसीबत मुझे बताए, मैं एक बाप था कैसे बर्दाश्त कर लेता। मुझे मजबूरन जेल से भागना पड़ा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम पूरा कीजिए, भगवान ने मेरा काम पूरा कर दिया। नहीं, 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 नहीं। माला, तुम्हें याद है तुमने एक दफा मुझे कहा था कि अगर ये दौलत छोड़ के तुम्हें चली गई तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। अच्छा हुआ मुझे दौलत छोड़ के चली गई, मैं जेल चला गया और इन बच्चों को तुम जैसी बहन मिल गई। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे एहसानात कैसे चुकाऊंगा। चलिए शख्स, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। तुम अगर इस तरह रोती रही तो जेल में एक एक पल काटना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ मेरी बच्ची, मुस्कुराओ।